कंपनियां अपने पुराने ग्राहकों को बनाए रखने और नए ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए ऑफर लाती रहती है। इस साल की शुरुआत में एयरटेल ने होम के ऑल इन वन सॉल्यूशन के लिए एयरटेल ब्लैक को लॉन्च किया था। एयरटेल ब्लैक यूजर्स को फाइबर, डीटीएच और मोबाइल सर्विस एक बिल में कंबाइन कर देता है। इसके जरिए कस्टमर्स अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज प्लान भी ले सकते हैं। यूजर्स प्लान को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यूजर्स कई कनेक्शन को एक साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास एक प्राइमरी पोस्टपेड कनेक्शन एयरटेल ब्लैक एलिजिबिलिटी के साथ होना चाहिए। अब एयरटेल ब्लैक को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने प्लान को लॉन्च किया है। एयरटेल ब्लैक यूजर्स को 465 रुपए के डीटीएच प्लान को पहली बार सब्सक्राइब करेंगे और ये फ्री में मिलेगा। इसको सबसे पहले टेलीकॉम टॉक ने रिपोर्ट किया था। एयरटेल की वेबसाइट के मुताबिक नई किसी भी सर्विस को ऐड करने पर ये उसे 30 दिन फ्री देती है। इसके लिए उन्हें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी। एयरटेल ब्लैक का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स मल्टीपल बिल पेमेंट डेट्स को मैनेज, कस्टमर केयर IVR या सेपरेट सर्विस प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से 60 सेकंड में यूजर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर एयरटेल ने अपनी वेबसाइट पर 4 प्लान्स लिस्ट किया है। कस्टमर्स अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान को लिस्ट कर सकते हैं। प्लान की कीमत 998 रुपए से शुरू होकर 2099 रुपए तक जाती है। दूसरी खबर WhatsApp और स्मार्टफोन से जुड़ी हुई है। WhatsApp समय समय पर पुराने डिवाइसेस से अपना सपोर्ट खत्म करता है। वजह है कि ऐप में नए फीचर्स दिए जाते हैं और पुराने स्मार्टफोन्स और उसके सॉफ्टवेयर उन फीचर्स को चलाने के लिए लायक नहीं होते। 1 नवंबर से इसी तरह कंपनी कुछ पुराने स्मार्टफोन से WhatsApp का सपोर्ट खत्म कर रही है। इनमें सैमसंग और एप्पल के भी स्मार्टफोन्स हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्मार्टफोन है और आप WhatsApp यूज करते रहना चाहते हैं, तो शायद अब आपको स्मार्टफोन अपग्रेड करने के बारे में सोचना होगा। WhatsApp ने अपने सपोर्ट पेज को अपडेट किया है। कंपनी ने WhatsApp यूज करने के लिए नए रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया है। कंपनी के मुताबिक एंड्रॉइड 4.0.3 आइसक्रीम सैंडविच, iOS 9 और KiOS 2.5.0 से WhatsApp का सपोर्ट खत्म किया जाएगा। 1 नवंबर साल 2021 से इन सॉफ्टवेयर पर चलने वाले स्मार्टफोन्स और फीचर फोन में WhatsApp का सपोर्ट नहीं मिलेगा। WhatsApp ने अपने फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पेज पर कहा है कि एंड्रॉइड 4.1 और इससे ऊपर के वर्जन में WhatsApp का सपोर्ट मिलता रहेगा। iOS 10 या इससे ऊपर के वर्जन पर चल रहे आईफोन में भी WhatsApp काम करता रहेगा। इसके अलावा KaiOS 2.5.1 या इससे ऊपर के वर्जन वाले फीचर फोन में भी WhatsApp काम करेगा, यानी जियो फोन और जियो फोन 2 में WhatsApp काम करता रहेगा। एप्पल आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन में 1 नवंबर से WhatsApp का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा आईफोन 6S और आईफोन 6S प्लस में भी WhatsApp का सपोर्ट 1 नवंबर से मिलना बंद हो जाएगा। न्यूज ब्यूरो। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।